नमस्कार दोस्तों, मीरा रोड की जान और सबसे बड़ी पहचान, ये जो मैं लाया हूँ, ये लाया हूँ आपके लिए 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का फ्लैट। और मैं बता दूँ कि ये इतना बड़ा ब्रांड है कि आप नाम सुनते ही इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको रेडी, अंडर कंस्ट्रक्शन, 1 साल 2 साल, मतलब इस प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा USP ऐसा है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट को लेते हैं तो आप यहां पर बुक ही करेंगे। चलिए मैं बताता हूं क्यों बुक करेंगे। चलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए 2 BHK का बहुत ही अच्छा फ्लैट, और जैसे ही आप हमारे घर से इंटर करते हैं आपको मिलता है किचन। आइए आपको बता दूं कि ये किचन सारे सामान और सारी चीजें रखने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह आपको यह मिलती है। आप देख रहे हैं इसका जो साइज है वो 7x11, मतलब ऑलमोस्ट 12 तक का है। इसमें जितनी भी चीजें आपको करके मिल रही है, ये कभी कभार ऑफर में आपको मिल सकती है, या ऑन द स्पॉट अगर आप इसे बुक करते हैं तो कुछ ऑफर में शायद हम आपको दिलाने की कोशिश करें। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छी चीज है कि घुसते ही आपको मिलता है आपको किचन। और किचन के बाद हम बात करेंगे, अपने इस हॉल की, 2 BHK हॉल की। अब मैं इसका साइज बता दूं 2 BHK हॉल की, 16x10 का ये हॉल मिलता है। इसके साथ ये 4 फिट का डेक, 4 फिट का डेक के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ये हॉल काफी बेहतरीन मिलता है। इसकी अगर मैं, आप कहते हैं ना कि लंबाई की अगर बात करूं, तो इस लंबाई की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो हाइट है वो हाइट है 5'8". मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूं, ये देखिए आप देख रहे हैं सर, इसके बाद भी आपको 3 से 4 फुट की जगह मिलती है। सो आइए दोस्तों, ये रहा हमारा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग के साथ मैं कहूंगा कि आप ये सोफा सेट जो देख रहे हैं और डाइनिंग देख रहे हैं, दोनों ही एक अपोजिट ही आपको ये चीज मिलती है। तो दोस्तों ये डाइनिंग टेबल आपका साइड में आ गया, और उसी तरीके से हॉल के बाद सीधे हम चलते हैं अपने कॉमन बेडरूम की तरफ। 10x11 का ये बेडरूम है दोस्तों, इसमें बालकनी नहीं है, इसमें फ्रेंच विंडो आपको मिलता है, और इसकी क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारी है। कहने का मतलब ऐसा है कि इसमें सारी चीजें रखने के बावजूद, सजाने के बाद, ये यहाँ पर एक छोटा सा, आपको जैसे कहते हैं ना कि ऑनलाइन में आपको एक घर पे बैठ के काम किया जा सकता है या बच्चे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर एक अलग तरीके से आप अपना सिटिंग एरिया बिठा सकते हैं। मैं बात करूँ तो ये कॉमन बेडरूम के साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 3 फिट की जगह के बाद भी आपके ये चारों तरफ कहीं भी आपको कंजेस्टेड नहीं लगता है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम मैं कहूंगा मेरे साथी को कि वो कॉमन वॉशरूम है वो दिखाए। कॉमन वॉशरूम ही बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बना के मिलता है, इसकी सारी फिटिंग्स आपको करके मिलती है, और तो और बड़ा ब्रांड होने के नाते आप देखेंगे कि इसका पैसेज एरिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा पैसेज मिलता है। नॉर्मली जगह पे आपने देखा होगा कि आपको एक गली मिलती है, लेकिन गली नहीं है, ये बड़ा पैसेज है। अब मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है मास्टर बेडरूम। हॉल देखा, किचन देखा, हमने देखा आपका बेडरूम, अब ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइज की अगर बात करूं तो 10x12 का ये आपको मिलता है, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये बेड लगाने के बावजूद भी इसके चारों तरफ, कहने का मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही प्यारा है। दोस्तों मैं और भी एक चीज बता दूं कि दोनों कॉमन में और मास्टर में, दोनों में भी ये जो कहते हैं ना वार्ड्रो की जगह भी 3-3 फिट की मिलती है, उसके बावजूद भी आपका जगह 650 का एरिया है दोस्तों, ये वो भी रेरा। उसके साथ
बेडरूम अगर मैं बात करूं, इस बेडरूम का वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके मिलता है, और मैं चाहूँगा कि आप इस वॉशरूम को देखें। और वॉशरूम के साथ मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूं, स्टेशन से नज़दीक, मेट्रो से नज़दीक, एस्कन टेम्पल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, रॉयल कॉलेज, मतलब डालमिया कॉलेज, सारे चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, मार्केट प्लेस, हॉस्पिटल, होटल, सारी चीज़ें। और ये जो जोन है नॉन पर्पस जोन है, मतलब ये जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है सही जो पूरा डिटेल से मैं बता सकूं। तो दोस्तों मैं छोड़े चलता हूं आपको छोटी सी गलतियों के साथ, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।